और उस बीच बैटलफील्ड से एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के बैटल ग्रुप K2 ने किया रूस पर जवाबी हमला। फायरिंग में यूक्रेन ने रूसी टैंकों के परखच्चे उड़ाए। रूस के आर्मर्ड व्हीकल और टैंकों को तबाह करने का दावा। यूक्रेन ने जारी किया जवाबी हमले का वीडियो। सोविलास ड्रोन और आर्टिलरी के बीच तालमेल किस कदर कहर बरपा सकता है, ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं। घर में घुसी रूस की विशाल सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन की फौज इन दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है, घातक पलटवार कर रही है। रूस की टैंक यूनिट को पता भी नहीं चला और यूक्रेन के ड्रोन ने उसकी पोजीशन यूक्रेन की 54वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के पास पहुंचा दी। इसके बाद का काम यूक्रेन के इलीट बैटल ग्रुप K2 ने संभाल लिया। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की और रूसी टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए, सब धुआं धुआं कर दिया। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। यूक्रेन ने हमले की जगह और टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने दावा किया कि यह हमला जबरदस्त था और इस हमले से रूस की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के कई आर्मर्ड व्हीकल और टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गए। यूक्रेन का दावा है कि यह जंग रूस को बहुत भारी पड़ी है। अब तक उसके 25,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं और रूस की फौज को हथियारों का नुकसान भी उठाना पड़ा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।